नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका काम वॉच डॉग का यानी के नज़र रखने का है। वैसे अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में तीन पिलर और हैं जिनको जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, यानी के लेजिस्लेचर वो होता है जो कानून बनाते हैं, जैसे हमारे विधायक, एमपी और एमएलसी वगैरह, ये लोग जो हमारे लिए कानून बनाते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव में आते हैं नौकरशाह, आईएएस अधिकारी वगैरह और पुलिस महकमा, ये सब जो लॉ बनने के बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी के उसको जो लागू कराते हैं समाज पे, देश में, कि उसको लोगों को फॉलो करना है, नहीं तो वो लोग फाइन करते हैं। इसके ऊपर एक और महकमा होता है जुडिशियरी यानी के न्याय व्यवस्था। अगर इन दोनों में से कोई अगर गलत काम करता है तो उनके लिए न्याय व्यवस्था यानी के कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक इन लोगों के खिलाफ जाकर कोर्ट में कुछ अपील कर सकता है, शिकायत कर सकता है, जो इन दोनों लोगों पर नज़र रखता है। लेकिन इनसे ऊपर भी अगर कोई है तो वो है मीडिया। मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो इन तीनों चीज़ों पे नज़र रखती है और वो वॉच डॉग का काम करती है, लोगों को बताती है कि पार्लियामेंट में, विधानसभा में आपके लिए क्या कानून बन रहे हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है, पुलिस महकमा है या आईएएस अधिकारी हैं, वो लोग आपके लिए कैसे काम कर रहे हैं, अदलिया है वो आपके लिए कैसे फैसले दे रहे हैं, ये लोगों को आसान भाषा में, मीडिया लोगों को आसान भाषा में ये बताती है। लेकिन आज हालत क्या है? आज हालत ये है कि हमारे जो नेता है, राजनेता, उन लोगों ने, राजनेता क्या, खुल के अगर बात की जाए, जो हमारी बीजेपी सत्ता में है, उन लोगों ने आज मीडिया को अपने घर का एक पालतू कुत्ता बना लिया है। जो लोग अगर पैसे से बिक रहे हैं उनको खरीद लिया गया है, जो नहीं बिक रहे हैं उन पे फर्जी केसेस करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यानी कि किसी भी तरीके से अगर कोई पत्रकार सत्ता से सवाल पूछता है या मोदी से सवाल पूछता है तो उन लोगों को किसी झूठे केस में अंदर कर दिया जाता है। ऐसे बहुत से मामले हैं। पत्रकारों के अलावा भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों को ये सरकार हर तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है, या दबा दे रही है या उनको मार दे रही है। ऐसे कई मामले हमारे सामने हैं। गौरी लंकेश का हुआ, दाबोलकर का हुआ, पंसारे का हुआ, ये कई ऐसे जर्नलिस्ट थे या सोशल एक्टिविस्ट थे जो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ लगातार लिख रहे थे, बोल रहे थे और समाज में वंचित बहुजनों और अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन बीजेपी जो सत्ता में है उनको ये बात खटक रही थी, उन्होंने लगातार इस तरह के जितने भी एक्टिविस्ट थे उनको सबको निपटा दिया किसी ना किसी तरीके से। गौरी लंकेश के मामले में जिसने ट्वीट करा था, ये सबको याद होगा, हम सबको याद होगा, पीएम मोदी जी उसको फॉलो करते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये बात मीडिया, सोशल मीडिया में लगातार घूमती रही, इससे कोई नकार नहीं सकता। इसी तरह अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे पत्रकारों के साथ जो सलूक किया जा रहा है पिछले कुछ महीनों में, हालांकि उससे पहले भी मामले होते थे लेकिन इक्का दुक्का, लेकिन पिछले कुछ समय में लगातार योगी सरकार और वहाँ की पुलिस पत्रकारों पर ऐसा दबाव बना रही है कि या तो प्रशासन के खिलाफ वो लिखने से बंद कर दें, या फिर उनको अंदर डाल दे रही है। ऐसे ही कई मामले पिछले दो तीन महीने में हमारे सामने आए हैं, जिस पर न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक बहुत ही अच्छी तफसीली ग्राउंड रिपोर्ट की है, उसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए, न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पर वो आपको मिल जाएगी। उसी के हवाले से मैं कुछ केसेस का जो यूपी में हुए हैं पिछले कुछ महीने में लगातार, उन केसेस पे कैसे पत्रकारों को फर्जी केसों में फंसाया गया है और किस तरह की उन पर धारा लगाई गई है, उन पर मैं आपके सामने बात करूंगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा पहले केस की, जो बिजनौर का है। बिजनौर केस एक ऐसा केस है जो बहुत ही संवेदनशील है। बिजनौर में एक गांव है तीतरवाला बसी गांव,
जो दलित बहुल्य इलाका है वहाँ पे एक मामला था कि एक महिला है लोकेश देवी नाम की, जिसको परेशान किया जा रहा था लगातार। कुछ लोगों ने वहाँ के मनुवादी लोगों ने वहाँ के उसके घर पे काली स्याही से लिख दिया था कि ये मकान बिकाऊ है, जिससे परेशान होकर लोकेश देवी ने वहाँ के स्थानीय पत्रकार जो दैनिक जागरण के संवाददाता है आशीष तोमर, वहाँ के स्थानीय पत्रकार आशीष तोमर को वो परेशान होकर खबर कहती है कि किस तरीके से उसको परेशान किया जा रहा है। तो आशीष तोमर जाके उस गांव में उस महिला की मदद के लिए, या वो अपनी पत्रकारिता का दायित्व निभाते हुए वहां पर जाकर जो बाहर दीवारों पे लिखा था ये मकान बिकाऊ है, उसकी फोटोज लेकर वो मीडिया में पब्लिश कर देते हैं, जिसके बाद उनके वहां के बिजनौर के एक न्यूज़18 के रिपोर्टर हैं शकील अहमद को भी ये बात पता चलती है। तो वो अपने सूत्रों से, उनका कहना है कि मैंने अपने सूत्रों से जब इस खबर को जांचा परखा तो मैंने इसकी खबर अपने न्यूज़ चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ लगवा दी। बस यही हमारा कसूर था कि हम पे मुकदमे दर्ज हो गए। अब मैं आपको बता दूं कि इन दोनों लोगों पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं पुलिस की तरफ से, उसमें कौन कौन सी धारा लगाई हुई है। धारा 153, 268, जिसमें उपद्रव मचाने का प्रावधान है, और 503 आपराधिक धमकी। इसके अलावा IT Act की धारा 66A भी इन लोगों पर लगाई गई है। आप ये सोचिए कि पत्रकार जो सच्चाई को, या सत्ता से सवाल पूछ रहा है, उसके खिलाफ कैसे कैसी धाराएं लगाई जा रही है। उपद्रव मचाना और आपराधिक धमकी देना, ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं है। इसके अलावा IT Act की धारा 66A भी लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। शकील और आशीष तोमर दो ऐसे पत्रकार हैं जो लोकल पत्रकार हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। आशीष बताते हैं कि उनके पास अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन सिर्फ वो 1500 से 1000 रुपये महीने की सैलरी पर सिर्फ वो ये पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि उन्हें समाज सेवा का शौक है। समाज सेवा करना उन्हें पसंद है, लोगों के दुख दर्द को बांटना उन्हें पसंद है। यही इन दोनों की गलती थी कि इन लोगों ने उस महिला के साथ हो रहे जुल्म को जनता के सामने लाया। इसके बाद यूपी पुलिस उन दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। अभी तक उन दोनों पर कई मुकदमे हो चुके हैं। ये बिजनौर केस था। इसके अलावा दूसरा केस एक मिर्जापुर का केस आप सभी को याद होगा। एक पत्रकार थे, लोकल पत्रकार, जन संदेश टाइम्स के पवन जायसवाल, जिन्होंने मिर्जापुर के एक स्कूल में नमक रोटी खिलाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली थी, और वहाँ के DM और प्रशासन से सवाल पूछा था कि किस तरीके से आप इन बच्चों को नमक मिड डे मील में खाने की जगह नमक रोटी खिला सकते हैं। इसी को लेकर उन पे इतने भयानक भयानक मुकदमे हुए कि आप सोच नहीं सकते। उनको हर जगह से डराया गया, धमकाया गया, लेकिन वो पत्रकार थे, सच्चे पत्रकार थे और निर्भीक थे। वो नहीं डरे, लड़ते रहे। आज उन पे कई मुकदमे दर्ज है। मैं बता दूं आपको कि उन पे कौन कौन सी धारा लगाई गई है। उन पर पहली धारा लगाई गई है धारा 120 बी, 186, 193 और 420। 420 की धारा आप सब जानते होंगे नाम से। वैसे भी हम अगर किसी को कह दें कि भाई ये 420 है, तो 420 का मतलब क्या है? फर्जी फ्रॉडपन। ऐसा कौन सा उस पत्रकार ने फर्जी फ्रॉडपन कर दिया था कि उसके ऊपर 420 और इतने मुकदमे दायर कर दिए गए। ये पुलिस और प्रशासन की तरफ से पत्रकारिता या ऐसे मासूम मजलूमों की आवाज़ दबाने की लगातार कोशिश है कि किस तरीके से इन लोगों को दबाया जाए। ये एक मामला था मिर्जापुर का, जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ और खबरों में रहा। इसके अलावा भी नोएडा का एक मामला है जो मैं आपके सामने रखूंगा। नोएडा में पुलिस ने 3-4 पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया, और उन पर ग्रोहबंद तरीके से लोगों से वसूली करने के मुकदमे दायर किए। हालांकि उनकी क्या हकीकत है ये, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का इस तरीके से धाराओं पर मुकदमे लगाना पत्रकारों पर,
उनकी आवाज बंद करना, ये आप कहाँ तक जायज है? मैं आपको बता दूं कि उन पर किन किन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जिन पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनमें सुनील पंडित, उदित गोयल, रमन ठाकुर और कई पत्रकार और कई अन्य पत्रकार हैं। इनके ऊपर गिरोहबंद समाज अधिनियम 1986 की धारा 2B(4), 2B(3), 2B(11) और 3(1) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। ये धाराएं किन मामलों में दर्ज की जाती है? कोई अगर गिरोह चला रहा है, कोई बदमाश है, उनके मामलों में दर्ज की जाती है, लेकिन पत्रकारों पर ये मामले, पत्रकारों पर ये धाराएं लगाई जा रही हैं, क्योंकि पत्रकार लगातार, क्योंकि आज जो बड़ा मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो सत्ता के सामने नमस्तक है, वो आवाज़ अपनी नहीं उठा रहा है, वो मजलूमों के आवाज़ नहीं बन रहा है, वो सच्चाई नहीं दिखा रहा है। तो जो छोटे मोटे पत्रकार हैं, जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, न्यूज़ वेब पोर्टल चलाते हैं, वो पत्रकार हिम्मत करके प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उन लोगों को किस तरीके से धमकाया, डराया जा रहा है, ये आप खुद देख सकते हैं। ये पिछले ऐसे कई मामले हैं। इसके बाद नोएडा का एक और केस है, जिसमें अमर उजाला के एक कैमरामैन, क्रू में काम करने वाले, वो ड्यूटी से अपने घर लौट रहे थे। उस वक्त पुलिस की कई लोगों से झड़प हो रही थी रास्ते में, तो वो पत्रकार उतरता है और वीडियो बनाने लगता है। बस इतनी सी बात पर पुलिस उसको पूरी रात अंदर रखती है और उसका फ़ोन फॉर्मेट कर देती है। पूरी रात उसको अंदर रखती है, ना उसके घर वालों को सूचना दी जाती है, ना उसके परिवार वालों को बताया जाता है, ना उसको छोड़ा जाता है, ना उस पर यह बताया जाता है किसके तहत उस पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं या उसको किस वजह से गिरफ्तार किया गया है। बस उसकी गलती ये थी कि उसने पुलिस की झड़प हो रही थी कुछ लोगों से, उसकी वीडियो बना ली। इसके बाद उसको पूरा रात जेल में रखा गया, वहाँ हालांकि घर तक नहीं गया गया, उसके घर वालों को नहीं पता चला, उसके घर वाले परेशान रहे रात भर, फिर भी पुलिस वालों ने उस पर कोई रहम नहीं करा। उनके ऊपर कई धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनका नाम दिनेश कुमार यादव है। इन पर जो धाराएं लगाई गई है वो कुछ मैं आपको बता देता हूं। इनके ऊपर जो धारा लगी है वो धारा 332, 353, 504, 506 और 186 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इनका सिर्फ इतना कसूर था कि इन्होंने पुलिस वालों की वीडियो बना ली थी। आप सोचिए, अगर इस तरीके से पुलिस और प्रशासन पत्रकारों पर प्रताड़ना करेगा या उनको इस तरीके से दबाव बनाएगा, तो किस तरह वो लोगों की आवाज़ बन पाएंगे। इसके अलावा एक और मामला है जो आजमगढ़ में संतोष जायसवाल नाम के एक जन संदेश टाइम्स के एक पत्रकार हैं, लोकल पत्रकार संतोष जायसवाल, जिनके ऊपर कई तरह के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने क्या किया था, उनका ये कसूर था कि वो एक सरकारी स्कूल में जाके वहाँ पर उनको खबर मिली थी कि यहाँ पर बच्चों से झाड़ू पोछा लगाया जाता है सरकारी दफ्तरों में क्लास में। लेकिन जैसे ही उसको ये पता चली बात, वो अपना कैमरा और फ़ोन लेकर वहाँ पहुँचे और उसकी रिपोर्टिंग करने लगे, जिसको बाद में वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे स्कूल के, उन्होंने पुलिस को बुलाकर पुलिस में FIR कर दी। उन्होंने कहा कि ये शख्स यहाँ पर आकर हम लोगों को धमका रहा है और हमारे दुनिया भर के झूठे झूठे आरोप लगाए कि हम लोगों को धमका रहा है, हमारे खिलाफ झूठे मूठे केस करने का दावा कर रहा है और हमसे किसी तरह की डिमांड कर रहा है। इस तरह के आरोप प्रधानाचार्य जी ने उस पत्रकार के खिलाफ लगा दिए। पुलिस ने कई धाराओं में इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस कह रही है कि ये इससे पहले भी कई तरह के इन पे मामले दर्ज हो चुके हैं। और इसमें संतोष जायसवाल का क्या कहना है, वो कहते हैं कि असल में मैंने ये पुलिस मुझ पर पहले से ही भोकलाई हुई है, क्योंकि एक दिन मैंने पुलिस इंस्पेक्टर की एक ब्लैक शीशा और बिना नंबर वाली गाड़ी की फ़ोटो लेकर ट्वीट कर दिया था।
जिसके जिसमें मैंने यूपी पुलिस को भी टेक किया था, जिसके बाद वहां से जवाब आया था और उन्होंने नंबर दिया था। मैंने उस नंबर की जांच की, तो जांच आरटीओ ऑफिस से जांच की, तो जांच में पता चला वो एक बाइक का नंबर है, एक बाइक का नंबर है, और वो भी मतलब किसी और की है। इसके बाद मैंने उस पर एक तफसीली रिपोर्ट, यानी कि एकदम तफसीली रिपोर्ट आया कि, जिसके बाद से पूरी पुलिस महकमा मेरे ऊपर भड़का हुआ था। वो मौके की तलाश में था कि किसी तरह इसको, किसी तरह मौका मिले हमें और इसको फंसाया जाए। उसी के बदले की, ये बदले की भावना से मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से यूपी में पत्रकारों को लामबंद किया जा रहा है, उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था कि वो सत्ता से सवाल ना पूछ सके। अब ऐसे युग में जब पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ता के सामने नमस्तक है, ऐसे में जो छोटे मोटे पत्रकार रह जाते हैं वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं, लगातार सत्ता से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको भी फर्जी मुकदमों में। आप सोच सकते हैं कि भारत में पत्रकारिता की आज़ादी पर पहले भी अंकुश लगते रहे, लेकिन इतने भयंकर अंकुश लगाना एक बड़ी बात है। ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ये दीमक की तरह है, एक तरह से ये पूरी डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा। जब सत्ता से सवाल पूछने वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर डिक्टेटरशिप होगी। जो शहंशाह होगा वो अपनी अपनी तरीके से रूल करेगा, वो लोगों को अपने हर गलत नीतियों के बारे में या गलत फैसलों के बारे में बताएगा, और वो जनता से कहेगा यही तुम्हारे लिए सही है और ऐसा ही हो रहा है, आंदा भी ऐसा ही होने की पूरी उम्मीद है। पिछले साल 2018 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज हुई थी, जिसने 180 देशों में 180 देशों की लिस्ट जारी की थी, उसमें भारत का स्थान 140वां था। आप सोच सकते हैं कि भारत जो इतना बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, उसकी मीडिया का स्थान 140 40वां है। आप सोच सकते हैं, हमसे ऊपर तो जो पड़ोसी देश है वो भी हमसे ऊपर है। अगर इस तरीके से हमारे लोकतंत्र में मीडिया पर इस तरीके से अगर कर्म किया जाएगा, उन पर बंदिशें लगाई जाएगी, तो हमारे लोकतंत्र का कोई फ्यूचर नहीं रहने वाला है। आप सोचिए, जरूर सोचिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।